हाय, आई एम हिमांशु उपाध्याय। मैं यही लोकल का हूँ, 20 किलोमीटर की दूरी शिवरा से। तो आज हमारा क्लास का दूसरा दिन है। दूसरा दिन तो आप लोगों के माइंड में चल रहा हो कि दूसरे दिन में क्या सीखे होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये मेरे हाथ में आप बोर्ड देख रहे होंगे, ये मदर बोर्ड है। इनमें हमने दो दिनों में क्या किया है, मैं आपको साफ साफ शब्दों में अभी बता देता हूँ कि दो दिनों में हमने ऐसा क्या कर लिया है। तो दो दिनों में हमने सबसे पहले क्या किया, जब फर्स्ट टाइम हमने आया था तो सबसे पहले हमने पावर आईसी को रिवॉल्विंग किया था फर्स्ट दिन, वो भी एक घंटे के अंदर। 7 बजे से क्लास स्टार्ट हुई, 8 बजे 8:30 बजे हमने 10-10 बार पावर आईसी को रिवॉल्विंग कर लिया था। उसके बाद हमारी कंपोनेंट की क्लास स्टार्ट हुई थ्योरी में, जो कि 3 घंटे की होती है, और उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल होता है। तो थ्योरी में सारे कैपेसिटर और डायोड के बारे में, जो जितने भी कंपोनेंट इसमें होते हैं, सबके बारे में थ्योरी में बताया जाता है। उसके बाद फिर शाम को प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है, तो प्रैक्टिकल में वो सारी चीजें क्लियर होती हैं। उसके बाद हमारी क्लास जो रहती है 7 बजे से तकरीबन 10 या 11 बजे तक रहती है, 14 से 15 घंटे की। इस तरीके से हमारी क्लासेस चलती हैं। तो डे वन में हमने सबसे पहले पावर आईसी को रिवॉल्व किया, उसके बाद कंपोनेंट के बारे में जाना। फिर डे टू में हमने डबल डेकर और सीपीयू को रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, वो भी सुबह 7 बजे से आया हमने, तो तकरीबन 8 या 9 बजे डबल डेकर, सीपीयू और नॉर्मल सीपीयू, ये सारी चीजें रिवॉल्व किया, वो भी 1 घंटे के अंदर 5-5 बार 6-6 बार रिवॉल्व कर चुके थे। ऐसे करके हमारे फिर कंपोनेंट की क्लासेस स्टार्ट हो गई। कंपोनेंट को कैसे चेक करना है, कौन सा कंपोनेंट क्या है, कौन से कलर का होता है, कैसे उसको चेक करते हैं, कैसे उसकी रीडिंग आती है, ये सारी चीजें हमें बहुत डीपली और बहुत सरल भाषा में समझाया गया, बिना बोर हुए, एकदम आसान शब्दों में, मजा लेते हुए, एकदम फ्रेश माइंड में। ऐसा नहीं लगेगा आप क्या यहाँ पे आके आपको ऐसा महसूस नहीं होगी 14-15 घंटे कैसे काटेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, आप घर में बैठे हुए हैं, आपको सबसे सबसे ज्यादा सोचने वाली चीज ये है कि चला हम लोग यार 7 बजे जाएंगे 10 बजे जाएंगे, क्या कैसे दिन कटेगा। स्कूल में तो हम लोग 4 बजे तक बैठने में हालत खराब हो जाती थी, यहाँ 14-15 करेंगे। तो मैं आपको सीरियस बोल रहा हूँ, यहाँ पे अभी सबके सब 20 बच्चे बैठे हुए हैं और सब फ्रेश एकदम माइंड में, अभी भी इनको लग रहा है कि कुछ और बताए तो वो भी कर लेंगे। 12-1 टाइम का कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, हमने टाइम देखते ही नहीं है, जब अचानक देखते हैं और 10 बज गया, वो ये सोचते, ये नहीं सोचते कि अरे यार अभी 8 बजे है, तो ऐसा बोरियत महसूस बिल्कुल नहीं होती, एकदम फ्रेश माइंड। अभी भी देख लीजिए सबके चेहरों में, जितने देखेंगे मेरे चेहरे में देख लीजिए, एकदम अभी भी वैसे ही फ्रेश महसूस हो रहा है। तो बोरियत आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि नई नई चीजें ऐसी सिखाई जाती है, ऐसी ट्रिक है यार, गजब, मैं क्या बोलूं, आप एक बार आइए तो आपको पता चले। ऐसे दूर से तो आपको लगेगा कि क्या ही करते होंगे 14-15 घंटे में, क्या करेंगे, ऐसे टाइम पास करते होंगे, आएंगे खाना पीना खाए तो बैठे रहे, एमडी सर जो हमारे प्रैक्टिकल लेते हैं वो भी यहाँ वहां घूमते रहे, लड़के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है, एमडी सर तो यहाँ से हिलते भी नहीं है। यहाँ पे जिससे नहीं आता तो यहाँ पे ऐसे बोर्ड लेके आएंगे कि यहाँ पे आ तू, अपना स्टेंसिल लेके, अपना टूल लेके आ, यहाँ पे पकड़, यहाँ बैठ, अब मैं बताता हूँ तेरे को कैसे करना है। ऐसे अगर हमारे एमडी सर जो है ऐसे करके बताते हैं एक एक बच्चों को, जिससे नहीं बनता, ऐसा नहीं कि एक बच्चे को बता दिए तो सबको सब शांत हो गए, अरे सारे के सारे बच्चे जाएंगे तो सबको बताते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम जैसे सीपीयू का उन्होंने शुरुआत करते हैं कि सीपीयू कैसे लगाते हैं, तो क्या करते हैं, सारे बच्चों को यहाँ आइड साइड खड़े करते हैं कि पहले यहाँ हो जाए। फर्स्ट टाइम बताते हैं हमारे सर, एमडी सर जो है जब फर्स्ट टाइम बताते हैं तो सारे बच्चों को यहाँ पे लेके आते कि सब यहाँ पे आ जाओ। फिर उन्होंने ऐसे काम करके वो बताने स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, सफाई करनी है, फिर ये करना है, फिर रोजन करना है, फिर ये रिवॉल्व कैसे करना है, ये सारे प्रोसेस है। उसके बाद बोलते हैं कि अब आप लोग स्टार्ट करो। तो ज्यादातर 90% या 99% लोग एक ही बार में सर से दोबारा पूछते ही नहीं है, ये 100%। ऐसा नहीं कि फेक बोलो एक बार में कैसे आ जाएगा, आता है यहाँ पे, ऐसे ट्रिक से बताते हैं भाई। तो ये सच्चाई है, ऐसे करके यहाँ पे पढ़ाई होती है, बिना बोरियत के होती है, एकदम फ्रेश माइंड से होती है, मजा आता है, बेहद मजा आता है। अभी भी बहुत मजा है, अभी 1-2 घंटे क्लास लग भी जाएगी तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि करना क्या है, पढ़ने आए 1 महीने के लिए। तो हमारा कहना है कि भाई 1 महीने तो कम से कम यहाँ दे दो, और यहाँ आओगे तो वैसे आपको हॉस्टल जाने का मन नहीं करेगा, सीधे बताऊँ तो मेरा भी नहीं कर रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि यहीं बैठे एकदम काम कुछ और मिले, कुछ और करें, जल्दी जल्दी करें, जल्दी जल्दी करें, कुछ नया सीखने को मिले, ऐसा चलता रहता है। सो आप लोग देर मत करिए, सीरियस बता रहा हूँ मैं, कहीं ऐसा ना हो कि फिर लेट हो जाए, बाद में पछतावा हो आप लोगों को कि यार हम पहले चले गए होते, कि ऐसा हो गया कि वैसा हो गया। तो आप लोग आ जाइए प्लीज, सीरियस बोल रहा हूँ मैं, आ जाइए, नहीं तो बहुत पछतावा होगा। थैंक यू सो फीस तो 2 दिन में कवर जाएगी सर, फीस तो कुछ भी नहीं है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 2 दिन के बाद तो फीस का नाम भी नहीं लोगे। 2 दिन बाद अगर आप घर भी चले जाओगे ना किसी इमरजेंसी में, तो आपको ये महसूस नहीं होगा, अरे यार मेरा 55,000 रुपए डूब गया यार, ये तो महसूस ही नहीं होगा, कसम खा के बोल रहा हूँ। फीस का तो कोई वो ही नहीं है, 55,000 सब कुछ भूल जाओगे आप, पैसे का तो नाम नहीं लोगे दोबारा, ये लगेगा सर और कुछ बता दो, फीस का तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे।
फीस की टेंशन मतलब फीस तब तक टेंशन जब तक आप घर में हो, तब तक लग रहा है कि यार 55,000 बहुत ज्यादा ले रहे हैं, यहाँ आओगे तो दो दिन में सब भूल जाओगे फीस। दोबारा पैसे का तो कोई जिक्र ही नहीं आएगा यहाँ पे, सीरियस बोल रहा हूँ मैं। सो बस इतना ही बोलना था मुझे। थैंक यू सो मच एशिया टेलीकॉम जिन्होंने मेरे को यहाँ पे, मैं जिनके थ्रू यहाँ पे आया, और बहुत मजा आता है यार, बहुत मजा। अभी तो दूसरा दिन है, अभी तकरीबन 25 दिन बाकी है। मैं साफ शब्दों में बोलूँ 25 दिन बाकी है। 2 दिन में एनर्जी देख रहे हो आप? 2 दिन में तो लोग सोचते हैं अरे यार 2 दिन अभी हुए, अभी चलो धीरे धीरे समय में आएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ समय में आ चुका। 2 दिन में जो उन्होंने बताया सब समय में आ गया। अभी समझने को कुछ नहीं रह गया, जो बताए वो तो आ गया, आप नेक्स्ट लेवल में सीखना है, ऐसा है। सो थैंक यू सो मच एमडी सर, देव सर हमारे एशिया टेलीकॉम, थैंक यू सो मच। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकालना हूँ। कौन सा फोन है ये? वाई वन है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूं मैं। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत।